नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माँ महागौरी, ओम सूर्याय नमः। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर और आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में। तो धनु राशि वालों, दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग भगवान सूर्यदेव की कृपा से और माता दुर्गे की कृपा से आप सभी लोग अपने जीवन काल में बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही खुश होंगे। और दोस्त, मैं सदैव भगवान सूर्यदेव जी से आपके लिए इतना प्रार्थना करूंगा कि आपको जीवन में सदैव खुश रखें और आपको जीवन में वो सारे खुशियां दें जिनको लिए आप हमेशा मेहनत और परिश्रम करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें दोस्तों कि आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर आपके जीवन काल में बहुत बड़ी खुशखबरी दस्तक देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आप सभी को जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि दोस्तों, इन 24 घंटे के भीतर आपका एक भी दुश्मन अब नहीं बचेंगे। दोस्तों, इन 24 घंटे के भीतर आपके सभी दुश्मन दोस्तों मौत के घाट उतरने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। दोस्तों, जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि आपके दुश्मनों ने जैसा कर्म किया था दोस्तों, अब उनको उनके कर्मों का फल मिलने का समय आ चुके हैं। दोस्तों, कहते हैं ना कि बुरे कर्मों का हमेशा बुरा ही फल प्राप्त होते हैं और आपके दुश्मनों ने जीवन में जितना ही बुरा कर्म किए थे, जितना ही उन्होंने आपको सताया था, जितना ही उन्होंने आप लोगों को परेशान किया था, आपको तंग किया था दोस्तों, उनके वजह से दोस्तों आप ज़िंदगी में कभी भी खुशी से नहीं रह पाते थे। दोस्तों, आपके दुश्मन ने यूं कहें तो आपका जीना बिल्कुल ही हराम कर दिया था, लेकिन दोस्तों अब उनके बुरे कर्मों का दोस्तों घड़ा भर चुके हैं, अब उनके बुरे कर्मों का फल उन्हें मिलने का समय आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, वो कहते हैं ना कि जब ईश्वर की लाठी पड़ती है तो उनकी लाठी में बिल्कुल भी आवाज़ नहीं होती है, लेकिन दोस्तों ईश्वर की लाठी उन्हीं व्यक्ति के ऊपर पड़ती है जिनका कर्म हमेशा दोस्तों बुरा होते हैं और बुरे कर्म करने वाले लोगों के साथ ईश्वर दोस्तों उन्हें ऐसी सजा देते हैं जिनके बारे में किसी ने कभी सोच भी नहीं सकते हैं, और ईश्वर उन्हें ऐसी सजा देते हैं जिनके बारे में किसी ने कभी सोच भी नहीं सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और कुछ ऐसा ही आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर आपके दुश्मन के साथ होने वाले हैं। दोस्तों, आप सभी को जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि आने वाला यह जो 24 घंटे का समय होगा, यानी कि 22 अक्टूबर का जो दिन होगा, आप लोगों के बहुत ही खास दिन साबित होंगे। दोस्तों, वैसे तो आज शारदीय नवरात्रि का अष्टमी दिन रहने वाले हैं और आज दोस्तों माँ महागौरी की पूजा भी होने वाली है और इनके साथ ही आज दोस्तों भगवान सूर्यदेव की कृपा भी आप लोगों के ऊपर रहने वाली हैं, जिस कारण से आज आपके जीवन काल में दोस्तों ढेरों सारे खुशियों के लाभ की प्राप्ति आप लोगों को होने वाले हैं। और इनके साथ ही दोस्तों यह समय आपके जीवन के सभी प्रकार के दोस्तों परेशानी से आपको मुक्ति मिलने वाली हैं। आपके जीवन के जितने भी दोस्तों लोग आपके दुश्मन थे, जो लोग आपको हमेशा परेशान करने के बारे में सोचते थे, जो भी लोग आपके लिए हमेशा बुरा सोचते थे दोस्तों, अब उनके लिए बुरा होने वाले हैं। दोस्तों, आज स्वयं भगवान सूर्यदेव जी और माता महागौरी आपकी पूरी ज़िंदगी को बदलने वाली हैं और आपके जीवन के सभी दुखों का दोस्तों अब नाश भी करने वाले हैं। जी दोस्तों, आने वाले इन 24 घंटे का समय आप लोगों के लिए बहुत ही खास होगा और आपके दुश्मनों के लिए बहुत ही बुरा समय सिद्ध होने वाले हैं। जी दोस्तों, आप लोग अब हंसने वाले हैं और आपके दुश्मन दोस्तों अब रोने वाले हैं। एक प्रकार से यूं कहें तो आपके दुश्मनों की अब उल्टी गिनती शुरू हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना चाहूँगा कि आप लोग बड़े ही भाग्यशाली वाले लोग हैं जिनके कुंडली में यह समय इतनी अच्छे दोस्तों ग्रहों की स्थिति बनी है कि यह स्थिति आपकी पूरी जीवन को दोस्तों हीरे की तरह चमका कर
रख देने वाली सिद्ध होंगी। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि सालों बाद आपके कुंडली में दोस्तों ऐसे ग्रहों की स्थिति बनी है कि दोस्तों जिन्हें देखकर हमारे भी दोस्तों होश उड़ गए हैं। आपको बताना चाहूँगा कि आपके कुंडली में ऐसा ग्रहों की शुभ स्थिति दोस्तों 100 सालों में पहली बार बना है और यह ग्रहों की स्थिति आपकी पूरी जीवन को दोस्तों एकदम से बदल कर रख देंगी और आपके जीवन में आप लोगों को अब से वो खुशियाँ मिलने वाली हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। बस आप लोगों को इन 24 घंटे के समय अवधि में दोस्तों कुछ गलतियां और कुछ लापरवाही, कुछ बातों का ख्याल आप लोगों को रखने की आवश्यकता होंगी। अगर दोस्तों आप इन बातों का यह समय ख्याल रख लेंगे, कुछ गलतियां अगर आप लोग इसमें करने से खुद को बचा लेंगे, तो दोस्तों यह 24 घंटे का दिन आप लोगों के लिए इतना दोस्त यादगार दिन साबित होंगे कि आप इस दिन को कभी अपनी पूरी ज़िंदगी भर में भुला नहीं पाओगे। जी दोस्तों, तो आइए जानते हैं कि आप लोगों को इन 24 घंटे के भीतर कौन सी गलतियां करने से बचना होगा और इन 24 घंटे के भीतर आप लोगों को क्या क्या लाभ की प्राप्ति होने वाली है, किन क्षेत्रों में आपको क्या बड़ी खुशियां भी मिलने वाली हैं, सभी जानकारियां हम आप लोगों को बताएंगे। तो आप लोग हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। तो दोस्तों आइए बात करते हैं, बड़े की शुरुआत करते हैं। दोस्तों उससे पहले माता महागौरी के और भगवान सूर्यदेव जी के जितने भी सच्चे और प्यारे भक्त हैं, दोस्तों इस वीडियो को दिल से अपने दोनों हाथों से एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और साथ कमेंट बॉक्स में प्रेम से लिख दें जय बाबा सूर्यदेव महाराज और जय माता महागौरी, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो दोस्तों आइए बात करते हैं और जानते हैं कि आने वाला ये 24 घंटे का समय आप लोगों के लिए कैसा लेकर आ रहे हैं, इन 24 घंटे के भीतर आपको कौन सी गलतियां करने से बचना होगा, किन बातों का आप लोगों को ख्याल रखने की बहुत ही आवश्यकताएँ होंगी ताकि दोस्तों आपको अपने जीवन में किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। दोस्तों हम आप सभी को बताना चाहूँगा कि दोस्तों आने वाला यह जो 24 घंटे का समय आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं, दोस्तों मानो तो आप लोगों के लिए बहुत ही भाग्यशाली समय रहने वाले हैं। दोस्तों आज आपका भाग्य उदय होने वाले हैं, आज आपकी किस्मत चमकने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज शारदीय नवरात्रि का अष्टमी दिन रहने वाले हैं, यानी दोस्तों आज माता महागौरी की आपके ऊपर विशेष कृपा रहने वाली है और जिस कारण से दोस्तों आज आपका सोया हुआ भाग्य, आपका नसीब दोस्तों माता महागौरी जी चमकाने वाले हैं और इनके साथ ही आज भगवान सूर्यदेव की भी विशेष कृपा आप लोगों के ऊपर रहने वाली हैं, जिस कारण से आज आप लोगों को सभी क्षेत्रों में लाभ मिलेंगे, सभी क्षेत्रों में आज आप लोगों को सफलता मिलेंगी, कामयाबी मिलेंगी। आप दोस्तों आज जिन भी क्षेत्र में दोस्तों जो भी काम करेंगे, चाहे आपके नौकरी के क्षेत्र हो, व्यापार बिजनेस के क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, घर परिवार के माहौल के क्षेत्र हो, कार्य क्षेत्र हो, वो अन्य किसी भी आपके जीवन के क्षेत्र हो, दोस्तों आज आप लोगों को हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलने की पूरी संभावनाएं भी बन रही हैं और इनके साथ ही आज ग्रहों की भी स्थितियां आपके ही पक्ष में होने वाली हैं। आज सभी ग्रह आपके ही स्थिति में हैं और वो भी दोस्तों शुभ स्थिति में बन चुके हैं, जिस कारण से आज आप लोगों को हर क्षेत्र में दोस्तों लाभ की, आपको सफलता की प्राप्ति होंगी। आज आपके रास्ते के सभी प्रकार की अड़चनों से आपको मुक्ति मिलेगी, आपके रास्ते में जो भी रुकावटें बनेंगी दोस्तों उन सभी का आप दोस्तों सर्वनाश होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, और आप सभी को बताना चाहूँगा कि दोस्तों आप अपने जीवन काल में जिन कामों को लेकर काफ़ी लंबे वर्षों से परेशान थे, जो काम आपका बिल्कुल भी नहीं बन पा रहा था, दोस्तों आपने अपनी तरफ से हर प्रयास कर लेते, हर उपाय कर लेते, लेकिन दोस्तों फिर भी आपका वह काम बिल्कुल भी नहीं बन रहा था, तो आज आप लोगों को बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। दोस्तों आज आपके जीवन के वह सभी काम दोस्तों बनने वाले हैं जिन कामों को लेकर आप ज़िंदगी में हमेशा परेशान रहा करते थे। जी दोस्तों, एक प्रकार से यूँ कहें तो आज का दिन आप सभी के लिए बहुत ही दोस्तों भाग्यशाली दिन लेकर आने वाले हैं और आप सभी को बताना चाहूँगा कि दोस्तों अगर आपके
किसी प्रकार की सपने थी तो वह सपने भी आज सच और साकार होने वाली हैं। अगर दोस्तों आप काफ़ी लंबे वर्षों से अगर आप भूमि संपत्ति को खरीदने के बारे में सोच रहे थे तो आपकी मनोकामनाएं भी आज पूरी होने वाली हैं। या फिर दोस्तों आप काफ़ी लंबे वर्षों से कहीं पर भी मनचाही जगह पर दोस्तों नौकरी पाना चाहते थे तो आपकी यह मनोकामनाएं भी आज पूरी होने वाली हैं। या फिर आप काफ़ी लंबे समय से दोस्तों मनचाही कारोबार शुरू करना चाहते थे तो आपकी यह मनोकामनाएं भी आज पूरी होने वाली हैं। जिन्हें देखकर आपका दोस्त मन भी आज काफ़ी खुश होंगे। आपने जो कभी सपने में सोचा न होगा दोस्तों आज आप लोगों को वो सब की प्राप्ति होने वाली हैं। जी दोस्तों, कहते हैं ना कि भगवान के घर देर हैं मगर अंधेर नहीं हैं। भगवान हमें जब भी देते हैं तो चप्पर फाड़ कर ही देते हैं और आपके भी ज़िंदगी में इन 24 घंटे के भीतर दोस्तों कुछ ऐसा ही शुभ घटना घटित होने वाली हैं। और आप सभी को जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि अगर आप अपने जीवन काल में दोस्तों किसी भी प्रकार की मुसीबत में फंसे थे तो आपकी वह मुसीबतों से आज आप लोगों को छुटकारा मिलने वाले हैं, जिनसे आज आप लोग एक राहत भरी सांस भी लेने वाले हैं। ओ दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में काफ़ी लंबे समय से धन को लेकर बहुत ही परेशान थे, आपके जीवन में दोस्तों धन की प्राप्ति बिल्कुल भी नहीं होती थी। आप अपने जीवन में दोस्तों धन कमाते बहुत थे लेकिन दोस्तों आपके पास पैसा उगता बिल्कुल भी नहीं था। आप दोस्तों अपने जीवन में बचे पैसे को भी आपके हाथों से खर्चे हो जाते थे, जिनसे आप जीवन में बहुत ही परेशान थे। और आपके पास दोस्तों कुछ दिनों से दोस्तों धन की प्राप्ति होने का युग भी नहीं बन रहे हैं। आप दोस्तों धन प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, जिनसे आपके परिवार में बहुत ही परेशानी हो रही हैं, बहुत ही झगड़े हो रहे हैं, विवादें हो रही हैं, कलह कलेश बन रहे हैं। तो आज आप लोगों को बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है, आज आपकी ये परेशानी भी दूर होने वाली हैं। आज आप लोगों को अपने जीवन में दोस्तों धन प्राप्ति के योग बनेंगे। अगर आपका पेशा कहीं पर भी फंसा था, कहीं पर भी रुका था, आज आप लोगों के पास वह सारा धन आपके हाथों में आ सकते हैं। या फिर आपने कहीं पर भी धन का इन्वेस्ट किए थे तो आप लोगों को वहां से भी उस धन की प्राप्ति होने के योग बन रहे हैं, जिस कारण से आज आप लोगों को अपने धन में काफ़ी अच्छी वृद्धि होगी और आज आप लोगों को अपने कारोबार में धन प्राप्ति के काफ़ी अच्छे योग बनेंगे। दोस्तों जो जातक कपड़े बिजनेस का व्यापार करते हैं, जो जातक दोस्तों पूजा के सामान का बिक्री करते हैं, बिजनेस करते हैं, उन लोगों को आज अपने धन में काफ़ी अच्छे वृद्धि देखने को मिलेंगे, जिस कारण से आज आपकी आर्थिक समस्याएँ दूर होने वाली हैं। तो कुल मिलाकर यह दिन आप लोगों के लिए बहुत ही खास है, बस आपको कुछ बातों का ख्याल रखना है। जैसे दोस्तों आज आप लोग कोई भी काम कर रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में आप कोई भी फैसला ले रहे हैं, तो आज आप लोगों को हर फैसले को बहुत ही ध्यान से और समझदारी के साथ लेना है। दोस्तों आज आप कोई भी काम कोई फैसला आज आप लोग बिल्कुल भी जल्दबाजी में ना ले, बिल्कुल भी आज आप लोग हड़बड़ी में ना ले, नहीं तो आप लोगों की एक गलती आपकी पूरी जीवन को बर्बाद भी कर सकती हैं। और आज आप लोग किसी के साथ बिल्कुल भी गलत व्यवहार ना करें, किसी के साथ बिल्कुल भी आप लोग को भी ऐसा व्यवहार ना करें कि जिनसे कि आपके उस व्यवहार का दोस्तों उन्हें ठेस पहुंचे। आज आप लोग किसी को दोस्तों कुछ भी ऐसी बातें ना बोले जिनसे कि आपके बातों को उन्हें ठेस पहुंचे, आपकी बातें उन्हें दिल में गड़े, ऐसे बातों का आप लोगों को आज बहुत ही ख्याल रखना है। दोस्तों आज आप जितना ही हर लोगों के साथ मिलजुल कर रहेंगे, जितना ही दोस्तों आज आप सभी लोगों को खुशियां बांटेंगे, दोस्तों आप लोगों को जीवन में हमेशा खुशियां मिलती रहेंगी और ईश्वर की कृपा हमेशा आप सभी के ऊपर बनी रहेंगी।